सम्मान देश का सम्मान है, हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। नमस्कार, आप सभी का कविता इज एयर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, क्या है ये प्रतियोगिता और क्या है इसकी आवश्यक जानकारी, जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी जानकारी अवश्य जाने ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु आपसे मिस ना हो पाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेख प्रतियोगिता का आयोजन कि हिंदी भाषा किसी विशेष दिवस की मोहताज नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रतियोगिता आपके समक्ष उपस्थित है। CSJMU के दीनदयाल शोध केंद्र के निदेशक डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता ने बताया कि छात्रों को वैश्विक स्तर पर हिंदी की मान्यता विषय पर 600 शब्दों का लेख लिखकर ईमेल से भेजना है। अंतिम तिथि 18 सितंबर है। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। तो चलिए इसकी डिटेल स्टडी देख लेते हैं। दीनदयाल शोध केंद्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, 14 सितंबर हिंदी दिवस के सुअवसर पर वैश्विक स्तर पर हिंदी की मान्यता विषय पर लेख प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। नियम और शर्तें, इसकी भी जानकारी जानना आवश्यक है। फर्स्ट वन, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय के छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखे लेख, अधिकतम शब्द 600। दीनदयाल शोध केंद्र छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में दिनांक 18 सितंबर 2020 तक पहुँच जाने चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना, कृपया ध्यान दीजिएगा कि लेख के साथ महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपए एंड तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपए। आयोजक डॉक्टर श्याम बाबू गुप्त, निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार यादव, कुल सचिव। अब हम संपर्क सूत्र की बात करते हैं कि अपनी प्रविष्टि भेजने और अधिक जानकारी के लिए आप कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया गया है, आप चाहे तो इसके थ्रू अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वो ईमेल आईडी भी है जिसके माध्यम से आप अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी।